हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को पढ़ा रहा था हाई स्कूल की यानी सेकेंडरी की। आपके बोर्ड में क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी, और सीबीएसई में क्या कहते हैं? हाई स्कूल, है ना। तो सेकेंडरी के बच्चों आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में बच्चों आप लोगों ने सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ था, मॉड्यूल नंबर टू। मॉड्यूल नंबर टू क्या है बच्चों? आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर सराउंडिंग में बच्चों आप लोगों का थर्ड चैप्टर चल रहा था, है ना। थर्ड चैप्टर चल रहा था साइंस की बुक का, थर्ड चैप्टर, है ना, साइंस की बुक का थर्ड चैप्टर चल रहा था बच्चों, जिस नाम क्या है इसका? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों ने इसके पहले तीन लेक्चर पढ़ लिए, है ना, तीन लेक्चर पढ़ लिए। आज चौथा लेक्चर है आज का, है ना, आज का आपका फोर्थ लेक्चर है। और इसके पहले आप लोगों ने बच्चों बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ ली, जरा शॉर्ट में याद कर लेते क्या क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा था बच्चों एटम क्या होता है, है ना, एटम क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, है ना, दो लॉज पढ़े थे उसके बाद आपने। फिर आपने पढ़ा था कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। फिर आपने बच्चों पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, है ना, एटॉमिक मास क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना भी सीख लिया था आपने। फिर आपने कहा सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर आपने सीखा एटॉमिक मास क्या होता है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, है ना, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, मोलर मास पढ़ा, मोलर मास पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा आपने, है ना, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। और इन पर बीच बच्चों आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए, है ना। इतनी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, इतनी चीज़ें बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा दो चार चीज़ें और पढ़ी होंगी आप लोगों ने इसमें, उसको भी थोड़ा देख लेना। आज आप क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। आज बच्चों आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखो। आप पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, है ना, कोई आपका कंपाउंड लिखा हुआ है, उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। फिर आप देखेंगे बच्चों की वैलेंसी क्या होती है किसी एलिमेंट की। फिर आप बच्चों पढ़ेंगे मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। किसी केमिकल फॉर्म कंपाउंड का, किसी केमिकल कंपाउंड का आप केमिकल फार्मूला कैसे खुद से लिख सकते हैं, कैसे खुद से लिख सकते हैं, उस मेथड को आप लोग पढ़ लेंगे आज, ठीक। तो ये आपका आज का सेशन होगा। आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव बच्चों समझ में आया? चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है बच्चों डेफिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, ठीक। मैंने कहा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसका? केमिकल कंपाउंड का। किस तरह से? दैट इंडिकेट्स, इसको क्या हो गया, दैट इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। या इसको हम आपको पूरी तरह इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ो, क्या पढ़ो बच्चों? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड दैट इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन अगर शब्द आपको ना अच्छा लग रहा हो तो आप कंपोजिशन भी लिख सकते हैं, है ना, कंपोजिशन ऑफ एटम, ठीक। एटम के कंपोजिशन से ही बनता है ना बच्चों मॉलिक्यूल, याद आया, आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो उसी को कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जिसके जरिए हमको ये पता चल सके कि कोई केमिकल कंपाउंड कैसे बना है, किन किन एटम से बना है, वो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक, एटम किन किन एलिमेंट्स के हैं, ये पूरा डेटा जिस हमको फॉर्मूला से मिलता है उसको आप क्या कहते हैं बच्चों? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं उस कंपाउंड का। एग्जांपल देखो, जैसे वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। H2O क्या बताता है हमसे? कहता है वाटर जो है, वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। किससे? एक हाइड्रोजन से बना, दूसरा ऑक्सीजन से बना, ठीक। हाइड्रोजन के आपके दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के बच्चों आपके एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन का बच्चों क्या है? एक एलिमेंट है। इस कहाँ पहुंच गया यार ये, ऑक्सीजन बच्चों कितना? एक एलिमेंट है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन का दो एलिमेंट, सॉरी ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम है, हाइड्रोजन का दो एटम है। तो इतनी डेटा किससे पता चल बच्चों आपको? केमिकल फार्मूला से। और यही केमिकल फार्मूला आपका यूज आता है कि कैसे आप इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे, कैसे इसका मोलर मास निकालेंगे। मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा काम आता है, इतनी बहुत ज़्यादा यूज होता है किसका? केमिकल फार्मूला का, है ना, किसका बच्चों? केमिकल फार्मूला का। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप सीधा सीधा जानते हो CO2, है ना। ग्लूकोज का पूछा जाए, देखो ग्लूकोज का C6H12O6, थोड़ा सा बड़ा फार्मूला हो गया क्या? C6H12O6।
जनरल सॉल्ट, जिस सॉल्ट को आप खाते हो उस सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NaCl। क्या होता है बच्चों? NaCl। ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला, कुछ एग्जांपल्स बताए मैंने, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही होते हैं, लाखों करोड़ों में हैं आपके मॉलिक्यूल्स, है ना। उन सब का आपको केमिकल फॉर्मूला धीरे धीरे करके पढ़ने को मिलेगा, लाखों करोड़ों का नहीं, कम से कम कुछ हज़ार का तो पढ़ ही लोगे अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो, है ना। आने लगे, ज़्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा समझते जाओगे, अपने आप उसको बनाने लग जाओगे। अभी बात आती है कि किसी केमिकल फॉर्मूला का एडवांटेज क्या होता है, ठीक, एडवांटेज क्या होता है। तो कोई केमिकल फॉर्मूला हमको क्या क्या बता सकता है? हमने कहा केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अबाउट दैट कंपाउंड। कोई केमिकल फॉर्मूला जो होता है, कोई केमिकल फॉर्मूला जो होता है किसी कंपाउंड का, वो इतनी डेटा या इतनी प्रॉपर्टीज बताता है किसी कंपाउंड का, जिसमें सबसे पहली चीज कौन कौन से एलिमेंट कोई कंपाउंड बना रहे हैं, दूसरी चीज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, किसी एलिमेंट के कितने एटम है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला ना वाटर, वाटर फॉर्मूला आपने कहा H2O, तो क्या क्या बता रहा है? एक हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है ना। तो ये बातें आपको पता चली, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, और किससे बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, है ना। अगली चीज देखो, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड। आपने इसके पहले जब पढ़ा था बच्चों मोल कॉन्सेप्ट, तो हाँ मैंने उधर साइड किनारे एक नोट लिखा था, याद आया? उस नोट में क्या लिखा था? मैंने कहा जैसे अगर H2O लिखा हो, ठीक, H2O लिखा हो तो क्या बताता है? वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ क्या? H2O, ठीक। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। तो ये बच्चों एडवांटेज हो गए, ये यूज़ हो गए किसी केमिकल फॉर्मूला के। अगली बात आती है बच्चों वैलेंसी की क्या होता है? मैंने कहा कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन या कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्या बच्चों? वैलेंसी। जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ इंग्लिश में फिर से पढ़ लेता हूँ, द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। किसी एलिमेंट की वैलेंसी वो होती है जो उसकी कैपेसिटी हो, किस बात की कैपेसिटी? अदर एलिमेंट से कैसे वो कंबाइन करेगा। जैसे हाइड्रोजन की कितनी कैपेसिटी है कंबाइन करने की? आपने कहा सर एक होती है, ठीक, वन होती है, तो इसी को आपने कह दिया वैलेंसी कितनी हो गई? वन। हीलियम इनर्ट गैस है, इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, वो कंबाइन नहीं करती हैं, इस कारण से उनकी वैलेंसी होती है जीरो। लिथियम की होती है वन, बेरिलियम की होती है टू, बोरॉन की थ्री, कार्बन की फोर, कार्बन, ठीक, कार्बन की होती है फोर। ध्यान सुनना, मैक्सिमम फोर तक जाती है वैलेंसी, जीरो से फोर तक बढ़ती है और फोर से बाद ये क्या होती है बच्चों? घट जाती है, है ना। जीरो से फोर तक बढ़ती है और फिर जो है फोर से जीरो तक घट जाती है। तो मैंने कहा नाइट्रोजन का वैलेंसी आपने कहा सर थ्री, ऑक्सीजन का आपने कहा सर टू, फ्लोरीन का आपने कहा वन, नियॉन का फिर हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि नियॉन है आपकी इनर्ट गैस, ठीक। हीलियम आपका क्या बच्चों? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैसेस की वैलेंसी कितनी होती बच्चों? जीरो। बात समझ में आई? मैक्सिमम वैलेंसी किसकी हो गई? यहाँ कार्बन की, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी चार हो गई, ठीक। इससे अलावा भी वैलेंसीज होती, सभी एलिमेंट्स का यहाँ लिखना मुमकिन नहीं, तो जितना आपका काम का मेन उतना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक बच्चों। आप लोग कहाँ तक लर्न कर लोगे? 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना, ठीक, इतने ही 20 तक, वन से लेकर 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ऑर्गन, फिर बच्चों आपका क्या आ जाएगा? पास्कल और पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक। इतना 20 तक, कहाँ तक? 20 तक। इतने एलिमेंट्स का नंबर आप ऐसे, जैसे मैंने याद किया हुआ ना बच्चों, लर्न किया हुआ है, जैसे डायरेक्ट बोलता चला गया 20 तक, तो आप लर्न कर लोगे तो एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद आप एटॉमिक नंबर लर्न करने के बाद एटॉमिक मास लर्न कर लेना। एटॉमिक मास लर्न कर लोगे तो आपको वैलेंसी धीरे धीरे, आप ऐसे ही नंबर से वन से सॉरी जीरो से फोर तक बढ़ाना, फोर से जीरो तक घटा देना, फिर जीरो से फोर तक बढ़ाना, फिर फोर से जीरो तक घटा देना, आपको क्या याद करना है बच्चों? वैलेंसी, है ना।
ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, कितने 20 एलिमेंट्स की, कितने एलिमेंट्स की बच्चों 20 एलिमेंट्स की याद रखना। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना ये सीरियल नंबर, सीरियल नंबर जो है यही बता रहा है आपको क्या एटॉमिक नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर ही तो है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, याद है बच्चों, इसी को याद कर लेना, लर्न कर लेना, बात समझ में आई। चलो आगे पढ़ते हैं, अगली बात आती है बाइनरी कंपाउंड्स किसको कहते हैं। देखो बच्चों बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो, एटम्स नहीं, दो एलिमेंट्स हो, उन कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं बच्चों, बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर में कितने एलिमेंट हैं, आपने कहा सर दो हैं, कौन कौन सा, एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे का नाम है ऑक्सीजन। फिर मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, आपने कहा सर एक कार्बन एक ऑक्सीजन। फिर मैंने कहा बच्चों जनरल सॉल्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, आपने कहा सर एक का नाम सोडियम और दूसरे का नाम क्लोरीन, एक का नाम सोडियम दूसरे का नाम क्लोरीन। तो कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ भी दो एलिमेंट्स। तो जहाँ जहाँ पर बच्चों दो एलिमेंट्स मिलते हैं, टू एलिमेंट्स मिलते हैं, उन सभी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो इसी की डेफिनेशन इजी हो गई। तो मैंने कहा द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। हमें नंबर ऑफ एटम से लेना देना नहीं बच्चों, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लेना देना है, एटम कितने हैं उससे लेना देना नहीं। यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने हैं बच्चों, यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने हैं, आपने कहा टोटल एटम 3 हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, है ना, 2 एटम हाइड्रोजन का है, 1 एटम किसका है ऑक्सीजन का। यहाँ देखो यहाँ पर भी 3 एटम्स हैं, 2 आपका ऑक्सीजन का है और 1 आपका कार्बन का है। यहाँ पर टोटल एटम भी 2 हैं, एलिमेंट भी 2 हैं, 1 आपका सोडियम का है और 1 ही आपका क्लोरीन का है, बात समझ में आई। तो हमें क्या बताना है कि एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट बच्चों 2 होने चाहिए। अगर 2 एलिमेंट्स हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो आप कहेंगे कंपाउंड कैसा बच्चों, बाइनरी है। कंपाउंड कैसा बच्चों, बाइनरी है। आगे देखो, आगे स्टार्ट करते, अगली बात आ जाती है बच्चों कि हम किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना बेहद आसान होता है, उन्हीं का हम सीखेंगे। हमने कहा एग्जाम्पल देखते जाओ। मैंने कहा अगर किसका लिखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है बच्चों, CCl4 है ना, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन कौन से एलिमेंट है, आपने कहा सर कार्बन है और क्लोरीन है। तो मैंने एलिमेंट्स का नाम ऊपर लिख दिया। फिर मैंने कहा वैलेंसी लिख देंगे, तो कार्बन के नीचे कार्बन की वैलेंसी और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिख देंगे। कार्बन के नीचे बच्चों कार्बन की वैलेंसी और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिख दी, और इसको हम बच्चों कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कार्बन के साथ क्या आ गया 1 और क्लोरीन के साथ क्या आ गया बच्चों 4, ठीक, क्लोरीन के साथ क्या आ गया बच्चों 4। तो इसी को हमने लिख दिया CCl4, बात समझ में आई। तो केमिकल फॉर्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या बन के आ गया, CCl4, बात समझ में आई। यानी अगर हमको कंपोजिशन पता है तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो हम कंपोजिशन बता सकते हैं, कोई एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। हमने कहा केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, HCl होता है। आपने कहा एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिला दोगे तो HCl बन जाएगा। मैंने हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी लिख दी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिख दी, ऊपर एलिमेंट्स लिखेंगे नीचे एलिमेंट्स की वैलेंसी लिखेंगे, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी, करेंगे क्या बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है H1Cl1, तो जब हमने कहा 1 का कोई मतलब नहीं होता तो हमने डायरेक्ट लिख दिया HCl, बात समझ में आई बच्चों। तो केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या बन के आया, HCl, बात समझ में आई। तो HCl हो गया बच्चों आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला। आगे देखते हैं, चलो और भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं क्या, हाँ और भी क्वेश्चन दिए हैं। मैंने कहा वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो आप जानते हो वाटर किससे बना होता है, आपने कहा सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, हमें ये नहीं पता कि कितने लेने थे,
कितना हाइड्रोजन लेता था, कितना ऑक्सीजन लेना था हमें नहीं पता था, तो हमने किया क्या, खाली वैलेंसी हमको पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी पता है, तो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख करके बच्चों मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा सर हाइड्रोजन के नीचे 2 आ गया, ऑक्सीजन के नीचे कितना क्या आ गया बच्चों 1, H2O आ गया क्या, तो आपने कहा सर H2O वाटर का फॉर्मूला बन गया, है ना। अच्छा देखो एक और बात, एक और बात, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि वैलेंसीज लिखी हो और वैलेंसीज सिंप्लीफाई की जा सके, जैसे मैंने कहा ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमें बनाना है, तो हमने कहा कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो लिखा तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, आपने कहा सर 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ 1 और 2 कैंसिल नहीं हो रहा था, हमने कहा यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो सकते, तो हम करेंगे 2 अंजर 2 2 अंजर 2, अब जो आया उसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आई, अब जो है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपने कहा सी ए के नीचे 1 और ओ के नीचे 1, सी ए 1 ओ 1, आपने कहा सर सी ए ओ, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, तो आपने कहा सर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया सी ए ओ। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि किसी केमिकल कंपाउंड का, किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बात समझ में आई। तो बच्चों यहाँ तक तो आपका ये चैप्टर था, ये चैप्टर बच्चों यहाँ पर खत्म। अब हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नया चैप्टर कौन सा होगा बच्चों, आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस पूरे चैप्टर को आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, इसकी बाकायदे नोट्स बना लेना जैसा मैंने बताया है, है ना, तो इसकी नोट्स बना लेना, और जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपको इंक्वायरी करनी है, सारी इंक्वायरी आप लोग बच्चों हमसे इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।